भाई लोगों वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज क्या है, लालू भाई का तीसरा मैच है, मतलब सेमीफाइनल। और इसमें जीत जाएगी लालू भाई तो सीधा फाइनल में जाएगी। और मैच किसके साथ है, जेएस टाइगर के साथ, ठीक है, जिसने पिछली बार लालू भाई को टक्कर दी थी। और इस बार अपना लालू भाई बदला लेने के लिए पूरा पूरा रेडी है। देखते हैं अब इस बार क्या बनता है। आज चाचा जी और चाची जी के नए मकान की मुहूर्त था, तो अब क्या है कि नींव पत्थर वो रखा है, तो अब उधर से फ्री हो गया। लालू भाई का मैच है 2 बजे पूरा, अब 157 हो चुके हैं, बस मतलब 5-10 मिनट में हम भी पहुंच जाएंगे। और आज का मैच तगड़े में ना, रियल में बता रहे हैं, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप भी मैच का आनंद लेना पूरा। एक चीज़ क्या है कि लालू भाई की टीम में ना सारे हैं हिटर, और जो दूसरी टीम है जीएच टाइगर, उसमें भाई तगड़े तगड़े प्लेयर हैं, जो एकेडमी के भी प्लेयर हैं, ठीक है, जो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। तो लालू भाई के टीम में बस तगड़े हिटर हैं, डेली बेस पे एक जने ही है, वो भी अब डेली बेस पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इसीलिए तो भाई चांसेस ये है कि दोनों तरफ है, हिटर उनके पास है और वो डेली बेसिस करते हैं। देखते हैं, मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, बस पहुँचते फिर देखते हैं। और अगर आज लालू भाई सेमीफाइनल में जीत गए तो भाई सही में बोल रहे हैं, मैच ही बहुत इंटरेस्टिंग होगा, फाइनल देख के जाएंगे, ठीक है। नहीं तो मेरा क्या है कि एक सैम भाई आप जानते हो, जो जिम में जाते थे मेरे साथ, तो उनके साथ क्या है कि भाई उनकी है मैरिज, उनकी है कल, मतलब आज 6 तारीख है, 7 तारीख को रिसेप्शन, तो इसलिए अपने को क्या है कि भाई वहाँ पे भी जाना जरूरी है। अगर तो भाई आज लालू जीत गया तो उस भाई को बोलूँगा भाई सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर फाइनल देख के जाऊँगा भाई मैं तो। पर लालू के मैच से पहले क्या है कि फतेहपुर और फगवाड़ा का मैच था, अभी तक तो भाई पिछले जो मैचेस हो रहे थे उसमें तो फगवाड़ा जीतती आई है, जो टूर्नामेंट हो रहे थे उसमें फतेहपुर जीतती आ रही थी, भाई इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया, पर इस बार जीती कौन, फगवाड़ा। मैच में भी जाना था लेकिन हुआ क्या बताया, जैसे अब चाचा जी और क्या नींव पत्थर था तो उधर बिजी हुए पड़े थे, नहीं तो उस वो मैच भी देखने के लिए जाते, क्योंकि वो मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। और ये तो क्या बताएं, जो सीनियर और उसके बाद जो युवा है उनके बाद ना भाई जूनियर जो है उनका मैच बहुत तगड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत तगड़ा भाई, कभी इधर जा रहा मैच, कभी इधर जा रहा, कभी इधर, बहुत मजा आया भाई मैच देखने में, वो मैच शूट ही नहीं कर पाया मैं। इस टूर्नामेंट के बीच में अपने को थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, जैसे अपने को पता 2-3 घंटे अपने पास समय है, तो वो अपने मम्मी को दे रहे हैं, कहीं जैसे मम्मी ने कल शॉपिंग करके आए, छोड़ के आए तो शॉपिंग करके आए, वैसे ही जो जो टाइम मिल रहा है ना वो मम्मी को दे रहे हैं, और वो लोग बताएंगे मम्मी का एक अलग स्पेशल, जिसमें मम्मी का ही मतलब पूरा होगा कि मम्मी के साथ कहाँ कहाँ पे घूमे और क्या क्या मम्मा ने शॉपिंग की सारा दी, और जो चीज है वो आपको अभी शॉपिंग की है मम्मी ने वो दिखाऊंगा अगर दिखाया गया तो। ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और लालू की टीम हो चुकी तैयार, और इनकी बैटिंग भाई है, रेस्ट तो ये प्लेइंग लेवल में नहीं है, इनके थोड़े सी आग में लग गई, बाकी टीम सामने। ये हमारा राजा, ओ बढ़िया भाई, जिसने 79 रन भी लगा के 2 लाख रुपए जीते थे ड्रीम इलेवन में, ये वो ये राजा। एक ओवर हो गया और 2 ओवर हो चुके, 2 ओवर के समाप्ति चौके के साथ 17 स्कोर हो चुके हैं। मैं अंदर ले लो, कोई खिला रहे हो, 2 बार है एक कार्ड ले, वो भी खिला रहे हो सारी बोल, 17 स्कोर हो गए 2 ओवर में। ये हमारे पंकित जी भाई, इनके ना पैर पे लग गई थी चोट, बहुत तगड़े वाले, लेकिन इन्होंने पिछला मैच भी खेला और ये मैच में भी खेला, बहुत बढ़िया बॉलिंग करा, अरे यार चौका, अब विकेट गई भाई तीसरे ओवर के बीच, वाह शुक्र एक विकेट गई, 4 ओवर में 35 रन भाई, एक विकेट ले चुके हैं, मजा ही आ गया विकेट लेने। बोल रहा था ना पंकज भैया विकेट लेंगे, और ये पंकज भैया ने विकेट ली थी, अब इनके जगह गौतम भैया को भेजा भाई। यार ये ओवर ना बहुत गंदा लग गया, पहली बॉल पे छक्का, फिर चौका, फिर चौका, फिर सिंगल, और अभी सिंगल, पांच ओवर में 53 स्कोर और एक विकेट। अनिवार्य
हेलमेट अनिवार्य करे क्योंकि दो तीन प्लेयर के ना भाई लगी बहुत गंदी वाली। फिर उसके बाद अभी नहीं हमारे मैनेजमेंट ने क्या किया कि अनिवार्य ही कर दिया। ये भाई अपना अरविंद भाई ये स्पेशल बोलता है कि हमें मेरी वीडियो बनाया करो भाई, अब एक विकेट लेगा ना तो मजा आ जाएगा भाई, मेन हाईलाइट में इसको डालेंगे। अरविंद की दूसरी बॉल, अरे अरविंद मनीष के लिए, मनीष हल्के हाथ से खेला एक रन का तीसरी बॉल, एक रन स्कोर दिया, मतलब अरविंद का ओवर ये सही जा रहा है। अरविंद वाह भाई, बोला ना अरविंद ना भाई, इसने करे कमाल कर दिया, दूसरी विकेट ले ली। वाह अरविंद भाई, वेल डन यार, और स्कोर हो गया 59 पे, 5 ओवर 5 गेंदे। वाह वेल डन यार, दो विकेट इस ओवर में अरविंद के, दो विकेट, मजा आ गया अरविंद भाई। और अब क्या है अरविंद की लास्ट बॉल, अरविंद की लास्ट बॉल देखो क्या कमाल है यार। चलो कोई नहीं, लेकिन दो विकेट ले गए एक ओवर में, 6 ओवर में 65, 3 विकेट लिए जिसमें से 2 विकेट अपने अरविंद भाई ने और एक पंकज भैया ने, और ये अपना अंकित आपका जन्म के जो तो यार बड़ी टूटी लगवा देता है। अब आइए हमारे नानू भाई के बोले, बढ़िया बढ़िया नानू, मेरा के राग टपरे नानू, नानू बढ़िया, ज्यादा तेज की जुट कोनी अपन, ज्यादा तेज की जुट कोनी, संदर लो कटी टैक्सी आप, यस करो फिर स्कोर अरविंद भाई का, यस और 75 7 ओवर में 3 विकेट। अब अरविंद इस विकेट पे, इस ओवर में फिर से विकेट ले ले अरविंद भाई, लिखता लेट हो कुछ तीसरी बॉल भाई, इतने खास स्कोर नहीं दिए, मतलब एक एक दो दो स्कोर ही दिए और एक चौका दिया और बस। अरे भाई रवि जोशी के लिए गेंद करेंगे, रवि ने एक बार फिर उसी दिशा में बैट का मुख खोला, फिर मिस्टर मनीष ने खेल दिया, सिंगल सिंगल स्कोर दिया भाई, काश ने ना पिछले मैच में भाई 3 विकेट ली थी और इस बार 2 अरविंद ने ली, एक पंकज भैया ने, और अब ये देखो काश क्या करेगा भाई। ओ भाई यार, स्कोर 95/3 और 9 ओवर हो चुके हैं पूरे, 95 स्कोर 9 ओवर में, अभी 20 ओवर का मैच है। अरे भाई राहुल ने ना ये स्कोर भी खाया लेकिन अब विकेट ले लिए इसको आई, चलो स्कोर हो रहे 102 पे, 10 ओवर हो चुके हैं। अरे यार पहली बॉल पे आकाश भाई हो डाल रहे हैं
पहले ही चौका। 11 ओवर में 116 और 4 आउट। विकेट जाए ना मजा और आए, क्योंकि मनीष है भाई वो तगड़ा प्लेयर है। ओवर डालने के लिए आया है भाई राजा। पहली बॉल हो चुके हैं 12 और 12 ओवर में भाई 129 स्कोर बना दिए और 4 विकेट के साथ। जो जैकपॉट ओवर है ना वो आपको बताया 13वां होता था, अब 20 ओवर का मैच है तो 16वां ओवर होगा जैकपॉट ओवर। और हो रहा है 13 ओवर में 142 स्कोर और जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो 213 के करीब। अरे एक याद और ये लाला भाई अपने बेंगलोर विन हो रही है और पंकज भैया हैं जिन्होंने पहले एक विकेट ली थी सबसे पहले, अब एक और विकेट लेगा मनीष की खास करके तो मजा और आएगा भाई। मनीष 50 हो चुकी है भाई यार, मनीष लेना विकेट ले मजा तो आएगा मनीष की। अरे यार नहीं पहुंच गया, और विकेट चाहिए मनीष की क्योंकि वो 70 पे है, सेंचुरी नहीं होने देने उसकी। लालू भाई लालू थरो कर। अब नीरज है भाई बॉलिंग कराने के लिए, फर्स्ट टाइम बैटिंग बहुत तगड़ी करी थी। जैकपॉट ओवर और 170 स्कोर हो चुके हैं, अब इस ओवर में जितने बनाएंगे वो डबल स्कोर काउंट होंगे और विकेट चल गए तो नॉर्मल स्कोर काउंट होंगे। ये भाई जैकपॉट ओवर है, पिछले ओवर में बहुत तगड़े स्कोर पड़े हैं, अब ये जैकपॉट ओवर है। ये बहुत और पाए भी कौन है, पंकज भैया जो विकेट ले सकते हैं, चांसेस यही है कि पंकज भैया ही लेंगे। और एक चीज बता दो भाई, मनीष जो है जेएस टाइगर का 83 पे है और उसकी सेंचुरी होने में सिर्फ 17 स्कोर पड़े हुए भाई, बहुत तगड़े है। दूसरी बॉल सिंगल, मतलब जैसे सिंगल ले रहे हैं तो इनका डबल रन काउंट हो गए, अगर इस विकेट में नहीं जाएगी तो ये सिंगल ही काउंट होगी। चार गेंदे हुए हैं मतलब 3 स्कोर इन्होंने बनाए, 3 के अब इनको 6 मिलेंगे, अगर विकेट चली गई तो 3 ही मिलेंगे। 4 का 8 सिंगल ही है भाई। पंकज भाई ये जैकपॉट ओवर अच्छा निकाल दिया यार, वेल डन पंकज भैया, मजा आ गया। 4 आए और 4 के 8 हो गए, लेकिन ज्यादा स्कोर नहीं पड़े, वेल डन भाई अरविंद भाई। चलो कोई नहीं, लेकिन ये बॉल है नो बॉल, अब इस पर देखते हैं मनीष क्या करी करते हैं, क्योंकि 87 पे मनीष 13 रन दूर सिर्फ सेंचुरी होने से। चलो बच गए भाई, मैंने अरविंद भाई ने कवर कर लिया फिर, वेल डन अरविंद, बहुत बहुत अच्छी बॉल। अरे वाह 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 यार, क्या मनीष की सेंचुरी नहीं हुई, वेल डन वाह यार, अरविंद भाई फिर से, अरविंद ना स्पेशल बोला, वो कहता मेरे जो आउट लूंगा ना मैं वो पूरे रिकॉर्ड होने चाहिए, और भाई ये भी रिकॉर्ड हुआ तेरा। स्कोर हो रहे 185 17 ओवर में की 18वें ओवर की पहली गेंद भाई भाई बॉलिंग बार चौका लगाई 189। तो मैं चले गया, थोड़ा सा बिजी हो गया था खाने पीने में भी और वक्त में बांध आ गया था, तो अभी गया कि 217 का इन्होंने टारगेट दिया जेएस टाइगर ने, और लास्ट फिर से विकेट जो ली थी भाई पता अरविंद भाई ने, और मैं वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। अब गए नीरज और राजा। पहली बॉल राजा भाई प्ले, ओ यार राजा वाह यार, पहली बॉल पे छक्का, वाह राजा वाह, वेल डन यार,
राजा दूसरी गेंद पे बच गया भाई। और जो धमाकेदार भाई बैटिंग कर रहे हैं राजा भाई, 3 बॉलों पे 10 रन, 5वीं गेंद। अरे वाह यार। और एक ओवर में बड़े स्कोर 11 भाई, ऐसे ही खेलेंगे ना 11 या 10 स्कोर भी बनाएंगे तो आराम से जीत पड़ी है। बस आराम से खेलेंगे धीरे धीरे। राजा फिर से है और देखो, अरे यार चौका 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 भाई, चौका, वेल डन यार राजा भाई। ऐसे ही भाई ऐसे ही खेल भाई, जीत जाएंगे आज ऐसे ही खेल। बस तू तो हर ओवर 10-12 खेलेगा ना फिर भी जीत जाएंगे। इस बार फिर से राजा भाई बजाएंगे बजा छक्का मारेंगे। अरे है प्लेयर वहाँ पे। अब तीसरे ओवर की पहली गेंद पे भाई 17 स्कोर बने और नीरज आउट हो गए। अब दोनों प्लेयर में थोड़ी दिक्कत हो गई। राजा भाई पहुंच गए थे क्रीज में और वो वहीं पे खड़ा रहा, देख रहा था वो। चलो कोई नहीं, अब अपना आकाश भाई आया स्ट्राइक पे आए हैं भाई। आकाश भाई, आकाश भाई स्ट्राइक पे हैं और देखते हैं। राजा तो कमाल कर रहे हैं और आकाश भाई चौका ऐसे का कुछ तो गले। भाई चलो 4 रन 4 रन। नहीं बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बच गया चौका। बरकल है बरके। आकाश तो बाहर आ गया लेकिन अपने अभिषेक भैया अभी भी कमांड संभाल सकते हैं। अभिषेक भैया पहली बॉल खेलेंगे। दो प्लेयर आउट। यार अभिषेक भैया वाह यार, चौके की शुरुआत करी है यार अभिषेक भैया ने। एक ने छक्के की और एक चौके की, वाह भैया ने भी वही गलती करी। और सीधा जो ये प्लेयर दिख रहा है ना दूसरे नंबर पे आ रहा है, हाँ जो भी आ रहा है भाई, इसने कैच 2 पकड़े हैं सीधा इसके हाथ में गया। ये प्लेयर कभी कैच नहीं छोड़ता। चलो कोई नहीं अभिषेक भैया, अब हो रहे स्कोर 27-3। 3 मिनट जा चुके और 4 ओवर हो रहे हैं। अरे चलो ये चल जाना, एक राजा और एक राहुल, राहुल के अलावा नानू है और जो हिटर है भाई अपने पास लालू भाई हिटर। भाई राजा है तो बजा रहा है बाजा, जब तक राजा है टीम के चांसेस है। भाई जो हमारी आन बान शान थी राजा भाई वो भी रन आउट के कारण आउट हो गए। हाँ जी तो स्कोर हुए हैं 37-6 ओवर के बीच में और 4 विकेट जा चुके हैं। अब नानू बचे और राहुल है सामने। डिस्ट्रॉयर अब नानू भाई आ गए हैं। लालू भाई है भाई जो कमांड संभाल सकते हैं, तगड़े हिटर यही है। लालू कहते सारे जने लालू लालू चीयर अप कर रहे थे। लालू भाई स्ट्राइक पे लालू स्कोर है 45 आउट पे और 7 ओवर हो चुके हैं और लालू ओ यार ओ बच गए रे वाह लालू भाई यार जो है और अंकित जा रहा है 43 पे 6 आउट हो गए हैं और 9 ओवर चल रहा है। 43 पे 7 आउट हो चुके यार 9 ओवर। हां जी तो अब है क्या कि अपन लालू भाई का तो मैच हो चुका है फिनिश, तो अब है नाइट को भी मैच। लेकिन भाई अपने को थोड़ी थकावट नींद आ रही है, ठीक है वैसे भी जैसे पंजाब से आए हो ना भाई, नींद प्रॉपर हो ही नहीं पा रही। और अब घर पे जाके फिर से रेस्ट करेंगे, फिर अपना आईपीएल शुरू हो जाएगा 7:30 बजे, फिर आईपीएल देखेंगे।